दिया और रतन की शादी के बाद छोटी ठकुराइन साका दिया को ट्रबल देना होगा शुरू। सोनी टीवी के पॉपुलर सीरियल रिश्ता लिखेंगे हम नया में ट्विस्ट बढ़ता जा रहा है। दिया के शादी के बाद भी छोटी ठकुराइन का दिया को ट्रबल देना शुरू हो गया है। जैसे कि हम जानते हैं रतन ने दिया और अभय की शादी तोड़ने के बाद दिया को शादी के लिए प्रपोज किया, क्योंकि वो दिया को ऐसे दुख में नहीं देख सकता। दिया के पास भी कोई और चारा नहीं होता, इसीलिए वो भी शादी के लिए रेडी हो जाती है। दिया ने शादी के लिए हाँ की, क्योंकि वो अपने पिता को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। अपने पिता को ऐसे हेल्पलेस देखकर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। अभय के इस धोखे से एकदम आहत हो चुके थे उसके पिता, और उसने अपने पिता को संभालने के लिए ये शादी के लिए हाँ कर दिया। दिया और रतन शादी के बाद केसर महल रिटर्न आते हैं। घर की चौखट पर आते ही दिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक बार वो दुल्हन के रूप में गृह प्रवेश करा चुकी है। दिया और रतन एक दूसरे के सामने ऑकवर्ड फील करते हैं। वह दूसरी तरफ छोटी ठकुराइन सा दिया को केसर महल की ठकुराइन के रूप में एक्सेप्ट नहीं करने वाली, और इन दोनों के बीच की इस दूरी का उनके खिलाफ पूरा फायदा उठाने की कोशिश करने वाली है। छोटी ठकुराइन सा का दिया को रतन की लाइफ से केसर महल से बाहर करने का प्लान चल रहा है। देखते हैं क्या छोटी ठकुराइन इसमें कामयाब हो पाती है। पहले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस। दिया रतन की शादी के बाद छोटी ठकुराइन साका दिया को ट्रबल देना होगा शुरू। सोनी टीवी के पॉपुलर सीरियल रिश्ता लिखेंगे हम नया में ट्विस्ट बढ़ता जा रहा है। दिया के शादी के बाद भी छोटी ठकुराइन का दिया को ट्रबल देना शुरू हो गया है। जैसे कि हम जानते हैं रतन ने दिया और अभय की शादी तोड़ने के बाद दिया को शादी के लिए प्रपोज किया, क्योंकि वो दिया को ऐसे दुख में नहीं देख सकता। दिया के पास भी कोई और चारा नहीं होता, इसीलिए वो भी शादी के लिए रेडी हो जाती है। दिया ने शादी के लिए हाँ की, क्योंकि वो अपने पिता को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। अपने पिता को ऐसे हेल्पलेस देखकर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। अभय के इस धोखे से एकदम आहत हो चुके थे उसके पिता, और उसने अपने पिता को संभालने के लिए ये शादी के लिए हाँ कर दिया। दिया और रतन शादी के बाद केसर महल रिटर्न आते हैं। घर की चौखट पर आते ही दिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक बार वो दुल्हन के रूप में गृह प्रवेश करा चुकी है। दिया और रतन एक दूसरे के सामने ऑकवर्ड फील करते हैं। वह दूसरी तरफ छोटी ठकुराइन सा दिया को केसर महल की ठकुराइन के रूप में एक्सेप्ट नहीं करने वाली, और इन दोनों के बीच की इस दूरी का उनके खिलाफ पूरा फायदा उठाने की कोशिश करने वाली है। छोटी ठकुराइन सा का दिया को रतन की लाइफ से केसर महल से बाहर करने का प्लान चल रहा है। देखते हैं क्या छोटी ठकुराइन इसमें कामयाब हो पाती है। पहले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब।